हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। हम मासिक मूल्यांकन अगस्त माह 2021 विषय भूगोल जियोग्राफी कक्षा 12 के समस्त प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में लाए हैं। आपको मैंने इसमें प्रश्न नहीं दिया, सीधे उत्तर दिए। आप अपना कॉपी खोलिए और पेन लीजिए और प्रश्न को बाजू में रखिए और जैसे मैं दिया हूँ वैसे आप उत्तर को लिख लीजिए और आप जाके कॉपी जमा कर दीजिए। जैसे कि आपको मैं प्रश्न क्रमांक एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और जैसे मैं दिया हूँ आप वैसे लिखते जाइएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक एक का पहला उत्तर था LNC सैंपल, आपको रेजल नहीं लिखना, आपको गा लिखना, ठीक। और फिर दूसरे का क्या लिखना, ग्रिफिक टेलर, और घा का क्या लिखना, पश्चिम बंगाल, और चार का क्या लिखना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आप वीडियो को रोकिए और लिखिए, ठीक। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक दो में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दो में आपको दिया मानव भूगोल के उपक्षेत्र, आपको उपक्षेत्र लिख देना है, जिसमें चार बोला था, आप चार उपक्षेत्र लिख दीजिए, व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण का भूगोल और आवास का भूगोल, और चौथा है कृषि भूगोल। आप वीडियो को रोकिए और लिखिए, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें आपको दिया था कि भौगोलिक सूचना के कोई दो स्रोत लिखिए। मैंने यहाँ पर आपको एक स्रोत दिया है, एक आपको मैं और लिख रहा हूँ, आप इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे आप एक मानचित्र दिया है, आप एक GPS भी लिख सकते हैं, GPS भी लिख सकते हैं, ग्लोबल प्रोजेक्शनिंग सिस्टम आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं, इसके बाद आपको दिया था तीसरे नंबर में, इसमें लिखना था कि भारत की जनसंख्या कितनी है और स्वाधीन जनसंख्या वाला राज्य। जैसे मैं दिया हूँ आप उसी प्रकार लिख लीजिएगा कि इसमें लिखना कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1.21 अरब, लिखिए सार्वजनिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। वीडियो को रोकिए और लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते, इसमें कोई तीन करना था इसलिए मैंने आपको चौथा करा दिया, शायद आपको कोई नहीं पूरे क्वेश्चन करने थे, तीसरा हो गया, ये आपको पहला कराया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। चलिए, इसके बाद दिया था मानव भूगोल के दो उपागम लिखना था, तो आप पहला उपागम लिखिए अन्वेषण व वितरण, दूसरा उपागम लिखिए क्षेत्रीय विभेदन। आप वीडियो को रोकिए और लिखिए। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक तीन। अब प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वीडियो को रोकना और लिखना। इसमें लिखा है मानव भूगोल का प्रकृतिकरण, आपको यहाँ पे प्रकृतिकरण अलग दिया होगा पेपर में, आप उसको एक साथ है, दोनों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसलिए प्रकृतिकरण आप लिखिएगा और जैसे लिखा गया वैसे आप अपने कॉपी में लिख दीजिए। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अननोन क्रिया करता है। आप वीडियो को रोकिए, लिखिए। आगे चलते हैं, इसके बाद प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, ठीक। इस प्रकार लिखिए, उसमें बोला उदाहरण सही समझाए, तो हम आपको स्क्रीन पे उदाहरण भी दे रहे हैं, आपके पास यहाँ पे दो उदाहरण है, आप लिख दीजिएगा। वीडियो को रोकिए और लिखिए। इसमें आप क्या लिखेंगे, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की, और दूसरा उदाहरण लिख दीजिएगा, इसी प्रकार DNA और अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग बनाया। वीडियो को रोकिए और लिखिए। आगे चलते हैं, इसका दूसरा नंबर आपको ऐसे लिखना है, जैसे ब्लैक और ब्लू पेन लीजिए और लिखते जाइए, ठीक है। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा आप वैसे वीडियो को रोकिए और लिखिए। लिखना है पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, इसके बाद आपको फिर लिखना है, यहां तक लिखिए। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है, 1951 में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति पर किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई। इस प्रकार आप वीडियो को रोकिए और लिखते जाइएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे लिखना है कि यदि स्थानिक भिन्नता का आभास करते हैं, यदि स्थानीय भिन्नता का आभास करते हैं तो देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार हम देखते हैं उत्तरी भारत के राज्यों में बिहार 1102, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 1129, जबकि प्रायद्वीप भारत के राज्यों में केरल 859 और तथा तमिलनाडु 555 है। इस प्रकार आप वीडियो को रोकिए और लिख लीजिएगा। इस प्रकार आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में बेल आइकन का घंटा होगा तो उसको ज़रूर आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।